रास्ता रोक खड़ा है तेरी ममता, जिसका बल वो कब दुनिया से डरा है। हिम्मत में क्यों हारूं मैया, हिम्मत में क्यों हारूं मैया, सर पे हाथ तेरा है। तेरी लगन में मगन में नाचूं, गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तू माता शेरावा। हेलो हेलो चुप हाँ हेलो और कुछ ही समय में हमारा आज का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं आएंगे तब तक आप सभी को मुझे झेल हेलो देखो हेलो 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 जी हेलो हेलो आज के सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में जो लोग अभी अपने घरों से नहीं निकले हैं प्लीज जल्दी आ जाएं। इस पूरे दुर्गा पूजा कार्यक्रम को ऐसे सुंडाई स्काई लार्क प्राइम तानिश केनरा बैंक आई फाउंडेशन और इन सारे कार्यक्रमों को जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे अग्रही स्टूडियो हमारे कार्यक्रम को जो आप तक पहुंचा रहे हैं, कोरवा डांस एकेडमी और वेव डांस एकेडमी की तरफ से, तो मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम के पार्ट हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनिरुद्ध शर्मा जी का भी, क्योंकि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो भी निभाते हैं। पिछले 50 सालों का अनुभव है अनिरुद्ध शर्मा का इस कार्यक्रम में। ये नहीं कह रहा था बाप, खड़े हो जाओ, ये इन दोनों के बीच में वहां पे खड़े हो जाओ। मेहनत आप लोगों के सामने इस कार्यक्रम के रूप में आएगी। साथियों पीड़ा का पर्वत रास्ता रोक खड़ा है, तेरी ममता जिसका बल वो कब दुनिया से डरा है। हिम्मत में क्यों हारू मैया, हिम्मत मैं क्यों हारू मैया, सर पे हाथ तेरा है। तेरी लगन में मगन में नाचू, गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तू माता शेरावाली
है अटूटिए नाता शेरा वालिए। बोले दुर्गा माई की, जोर से दोनों हाथ उठा के बोले दुर्गा मैया की। बिन बाती बिन दिया तू कैसे काटे घोर अंधेरा। बिन सूरज तू कैसे कर दे अंतर मन में सवेरा। बिन धागों के कैसे जुड़ा है, बिन धागों के कैसे जुड़ा है बंधन तेरा मेरा। मैं समझू या तू समझे और कोई समझ नहीं पाता। मैं बालक तू माता शेरा वालिए है अटूटिए नाता शेरा वालिए। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम इस माता के भजन के साथ में। जोरदार जयकारा लगा दे माता का एक बार। बोलो दुर्गा मैया की। आज के हमारे मुख्य अतिथि सीओपी साहब हमारे बीच में हैं, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा। सर आप अनुमति दें आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए। सर प्लीज। हाँ उपस्थित सारे जेंट्स और लेडीज को मेरा प्रणाम। आज ये पूरा परिवार और मेरा डिवीजन से सारे परिवार मेंबर को मैं ये शारदीय नवरात्र पर हार्दिक शुभेच्छा ज्ञापन करता हूँ। जैसे हम लोग सारे अपना ऑफिस में किसी न किसी रूप में कठिन परिश्रम करते हैं, ये भी हमारा फर्ज बनता है। हम इस नवरात्र को आनंद उल्लास से एंजॉय करें, क्योंकि पिछले 2 वर्ष तक हम ऐसे फेस्टिवल मनाए नहीं। अपन कराए लेकिन मंदिर में पूजा किए जरूर, लेकिन इसी फर्क में 2 साल पहले हम लोग एकत्रित हुए थे और पूजा किए थे। मैं सारे को माँ दुर्गा की तरफ से बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ और सारे लोग इस फेस्टिवल को आनंद उल्लास से मनाएं, यही मेरा इच्छा मेरा डिवीजन के तरफ से, मेरा पूरा कोरवा परिवार के तरफ से। यहाँ पर उपस्थित हमारा पंडित को मैं प्रणाम करता हूँ, जो कि थोड़ा परिश्रम करके बनारस से आकर के हमको सहायत कर रहे हैं ये पूजा से। लास्टली मैं सारे लोग को ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ, जैसे हर कार्यक्रम का शुभारंभ, इस भी कार्यक्रम का शुभारंभ जो है महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है लावणी, उसके साथ हम लोग कर रहे हैं। देवी गीत के ऊपर लावणी पेश करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अर्चना जी, अश्मिता, दीपांशी, सोनाक्षी और सरगम। सभी स्टेज पर आ जाएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें बच्चों का।
आई कृपा करी माझ्यावरी जागावी तो रात सारी आई कृपा करी माझ्यावरी जागावी तो रात सारी आज गोंधळा गाये अथर्व श्रेयांश अर्णवी प्रगुण आदित्य प्रणय और अनिली इनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पर। जोरदार तालियां देखे बजाते रहिए बच्चों ने
एग्जाम के बीच में ये सब प्रिपरेशन की है, तो तालियां बजाते रहिए। जो भी लोग वीडियो बनाना चाह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सामने से थोड़ा सा हट जाएं, क्योंकि पीछे वालों को नहीं दिखेगा। मैं आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैठ जाइए बेटा, या तो बैठ जाइए आप, और जीत को भी अगर वीडियो बनाना तो या तो सामने आके बैठ जाइए, और अदरवाइज तो हमारे कैमरामैन है ही, बना ही रहे हैं। विवेक सर रेडियो तो बताइएगा ना सर। जोरदार तालियां हो जाए। सेल्फी के साथ साथ फ्रंट कैमरे से भी रिकॉर्डिंग हो रही थी, बच्चों को बता दिया जाए। इतने सारे हनुमान जी आप लोगों के बीच में थे, एक जोरदार हनुमान जी का भी जयकारा हो जाए। बोलो बजरंग बली की। तो अगला कार्यक्रम जो है वो सिंगिंग परफॉर्मेंस है, और एक छोटी सी बच्ची आपके बीच में आकर्षा को मैं बुलाना चाहूंगा, अच्युतम केशवम आपके सामने जो है परफॉर्म करने के लिए। आकर्षा आ जाइए। अनिल उससे बात करते रहे ना, और जब वो रेडियो तो पता ना। हेलो, रेडी अक्षरा, रेडी रेडी ना अक्षरा, ओके।
बहुत सुंदर बेटा। और इसके बाद में जो अगली परफॉर्मेंस है, कोई कहे कहता रहे, एक बच्चों का ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, मैं इसके लिए बुलाना चाहूँगा रितिशा, सताक्षी, आद्विक, काशवी, निवित, आदिश्री, अपर्णा, हर्ष और निकिता को। जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। रिया जी बताइएगा, तालियां हो जाए बच्चों के लिए। धन्यवाद, थैंक यू बेटा। और इसके बाद आपके बीच में प्रस्तुति आ रही है सिंघम एक्ट की, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा अप्पू, रौनक, सारव, आरव और अर्णव, इन बच्चों को बुलाना चाहूंगा सिंघम एक्ट के लिए। में आप लोग की तालियों का बहुत बड़ा रोल है, तो कृपया आप लोग से निवेदन है कि जब बच्चे स्टेज पे आए कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें ताकि उनका मनोबल हाई हो। एक चाबी का गुच्छा मिला है, जयश्री श्याम लिखा हुआ है इस पर, जिसका हो ये रवि जी से ले लीजिए। पांडे जी सीटी बजावे ऑन ड्यूटी।
बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, पर हाँ जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। जोरदार तालियां हो जाए, बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस आप लोगों के बीच सिंघम एक्ट के रूप में। इसके बाद मैं सिंगिंग नंबर के लिए बुलाना चाहूंगा आदित्य अवस्थी जी को, केसरिया तेरा इश्क है पिया। आदित्य अवस्थी जी स्टेज पर आ जाएं। हेलो, हेलो, आदित्य अवस्थी को थोड़ा संशोधित करना चाहूंगा, आदित्य द्विवेदी जी हैं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से इनके लिए। हेलो हेलो आदित्य चेक कर लेना, वेट, हेलो चेक करो, चेक रब्बाने तुझको बनाए मैं कर दी है हुस्न की सारी तिजोरिया, काजल की तेरा ही तेल की है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया, ये सरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं बिंदी पे सारा तेरी दिख में रन करी खैर मनाऊ के दरिया तेरा पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊ बिंदी पे तारा तेरी दिख में रन करी खैर मनाऊ। मौसम में भी रंगी जानारों जैसी रंगी पन्नाटों में तू विरा
के तारो जैसी सदियों से और तू फुल घड़ियों वाले त्योहारों जैसी एक छोटी सी सूचना है कल के लिए। कल कालिका पूजा परिक्रमा है, सुबह 8 बजे से 12 बजे अष्टमी पूजा का कार्यक्रम है। देखिए जो महिलाएं हैं उनसे विशेष मेरा अनुरोध है कि आप जो पूजा के जो कार्यक्रम हैं उनमें जो है सम्मिलित हों और सुबह के जो पूजा के कार्यक्रम हैं उनको सफल बनाएं, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम दिखाई देती है। सुबह 9:30 बजे से बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन, सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन है बच्चों का, जिसमें जिसकी सूचना जो है नोटिस बोर्ड और विभिन्न और माध्यमों से आप लोगों तक पहुंचाई जा चुकी है। दोपहर में 3:30 PM से 4:25 तक संधि पूजा है और शाम को 7 बजे आरती है। सभी लोग समय से आ जाएं, माता की आरती लें। और 8 बजे से फिर से कल्चरल कल जो है कल्चरल प्रोग्राम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी हुई। आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो प्रस्तुति है वो सोलो नंबर है, 52 गज का एक हरियाणवी सॉन्ग है, उस पर प्रस्तुति लेकर आ रही है आद्या। आद्या को मैं बुलाना चाहूँ स्टेज। आप आ जाओ बेटा, आप आ जाओ। जोरदार तालियां हो जाए आद्या के लिए। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथों में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर मरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर मरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं ना कसर खालूंगी, 52 गज का दामन खुड़का
हुआ मैं तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं सुनने की गुठी गले में हार डालूंगी बावन गज का दमन पैरों में टच चलूंगी बावन गज का दमन पैरों में टच चलूंगी झूठे कन्ना के दे लड़े मोटा पैर ना से कोका टिक्का लाल रंग का लाना देना तागड़ी ते मुका चोटीनू बोले ढूंगे गेल हलूंगी बावन गज का दमन पे मुकेश जाती तेरी कलमिया लिखे गीत प्यारे उठा पे लाली अखा काजल गालूंगी बावन गज का दमन पे जोरदार तालियां हो जाए आत्या के लिए। और इसके बाद अगली प्रस्तुति जो है अर्पिता और आकृति को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। गाने के बोल हैं कमरिया लेफ्ट राइट। आप अर्पिता और आकृति प्लीज स्टेज पर आ जाएं। देखिए जो अभी सूचना दी गई आपको कल जो बच्चों की जो ड्राइंग कंपटीशन है सिट एंड ड्रॉ ये आई फाउंडेशन हमारे बीच में रंजना जी होंगी उनकी तरफ से स्पॉन्सर है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सहयोग सभी का रहा है तो आई फाउंडेशन की तरफ से कल जो ये कला प्रतियोगिता है स्पॉन्सर है तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आई फाउंडेशन का। और अगली प्रस्तुति आपके समक्ष जोरदार तालियां हो जाए बच्चियों के लिए। तू छोरी फ्लावर पाउडर खुशबू आवे महकी महकी पहर फला जो चल चल तेरी लागे महकी महकी तू छोरी फ्लावर पाउडर खुशबू आवे महकी महकी जब पहर फला जो चल चल तेरी लागे महकी महकी पूरा शहर सके तू हो जा फैशन क्यूट बना दे नखरा हाई रेट तेरा जान काट ले पर जानी यो अंडर 50 रेट तेरा अंडर 50 रेट तेरा ओ सिंपल फैशन क्यूट बना दे नखरा हाई रेट तेरा जान काट ले पर जानी यो अंडर 50 रेट तेरा लाइट तेरा कद भी पूरा हाई रे देख तने मर जानी मेरा दिली
देखिए तालियों में कंजूसी कर रहे हैं आप लोग बहुत ज्यादा। तो एक्चुअली अनुरोध इसलिए ना कि तुमने बताया नहीं यहाँ पर कि तीसरे दिन जो है मतलब 4 तारीख को जो लकी ड्रॉ का प्राइज निकलेगा उसके अलावा जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक मोस्ट सपोर्टिंग ऑडियंस का भी अवार्ड है। अच्छा हाँ, 3 दिन तक लोगों को यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है और जो मोस्ट सपोर्टिव ऑडियंस रहेगा उसको प्राइज मिलना है। तो जोरदार तालियां हो जाएं। तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर पार्टिसिपेंट, और एक जोरदार माँ का जयकारा भी हो जाए। बोले दुर्गा माई की, बोले दुर्गा माई की। वो उधर पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं भाई, बोले दुर्गा माई की। चलिए बढ़ते हैं और आगे जो प्रस्तुति है। जी हुजूर, हुजूर बुलाया जाए हुजूर लोगों को। दक्ष, मृत्युंजय, वंश, प्रतीक, आदित्य और ताशु, इनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। तालियां हो जाए जोरदार बच्चों के लिए। हुजूर जी तैयार हो रहे हैं, तब तक शाम ठोको, देखो आया कलंदर, रोको ना खुद को रोको, ठोको सलाम ठोको, अरे सुबह शाम ठोको, देखो
क्लाइव हेलो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और इसके बाद अगला नंबर जो है वो सिंगिंग सोलो परफॉर्मेंस है। हमारे बीच में डीके सिंह जी मौजूद हैं, मैं उनका उनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पर। माता जी के भजन के साथ में आपके बीच में आ रहे हैं डीके सिंह जी, एफली से हैं। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। माता का जयकारा इतने ही जोर से लगना चाहिए जब भी भक्तगण इकट्ठा हो। और बच्चे जो ये प्रोग्राम दे रहे हैं तो उनका भी सपोर्ट इतने ही जोरदार तरीके से होना चाहिए। तो मैं माता का भजन लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। आज का दिन इतना अच्छा है, हम लोग जहाँ जहाँ भी रहे हैं जागरण माता के दरबार में करते रहे हैं। इस बार मौका नहीं मिला तो मैंने बोला आज माता के दरबार में ही बैठ के जागरण करेंगे। एक गाना ही सही कोई बात नहीं, मगर जागरण का मजा लेके जाएंगे। प्लीज शुरू करें। Don't
दरबार में आए, ये माँ ने बुलाया है तभी लोग दरबार में आते हैं। आप लोग सुना होगा, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली है ना। तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत है, मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इस दरबार तक पहुँच पाया। और जब पहुँच ही गए हैं तो दोबारा मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ माँ का एक जयकारा जोरदार लगाए। धन्यवाद बीके सिंह जी। अब आपके समक्ष आज के कार्यक्रम की आखिरी परफॉर्मेंस आपके बीच में, जो लेडीज ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, एचएल कोरबा की जो लेडीज हैं उनके द्वारा है। मैं इसके लिए बुलाना चाहूँगा अनीता जी को, सविता जी को, प्रियंका जी को, नम्रता जी को और परमिला जी को। जोरदार तालियां हो जाए इस ग्रुप के लिए। तालियां बजाइए भाई, तालियों में क्यों कंजूसी, आखिरी प्रोग्राम है, पूरी ताकत लगा दीजिए। जोरदार तालियां हो जाए इन महिलाओं के लिए। रेडी म्यूजिक। तालियां बजाते रहिए।
अनमोल मीठे मीठे इसके बोल आके इसकी बोल गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल छोरा है नटक बोली पटपट चीरी पीछे बोल ऐसे बोल तो ढम ढम बाजे ढोल बाजे रे बाजे रे ढम ढम जोरदार तालियां, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस, धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन होता है। कल का कार्यक्रम फिर 8 बजे से शुरू होगा। आप लोगों से सभी से अनुरोध है समय से आ जाएं, सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। और कल के सुबह के कार्यक्रम के लिए आपको जो सूचना दी गई है, वह 8 बजे से अष्टमी पूजा का कार्यक्रम है, 12 बजे तक चलेगा। महिलाओं से निवेदन है कि अपनी सहभागिता दें इस कार्यक्रम में। सुबह फिर बच्चों का 9:30 बजे से ड्राइंग कंपटीशन, सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन। उसके बाद दोपहर में 3:30 बजे से 4:25 तक संधि पूजा होगी और शाम को 7 बजे आरती होगी। तो आप लोग आरती में आएं और उसी के साथ में फिर कार्यक्रम का आनंद लें। और अनिरुद्ध, शायद तुम बताना भूल गए कि जैसा आप लोग सब देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, तो महिलाओं को खाना पीना बनाने के लिए घर पर रुकने की जरूरत नहीं है। सब यहाँ पर आइए और भरपूर स्टॉक यहाँ पर अरेंज कराया गया खाने का, तो सभी लोग यहाँ पर चाहें तो आ सकते हैं और टाइम से आ जाएंगे। सर पूरा बताइए, मोबाइल जो है वो आईफोन है? मोबाइल आईफोन है 14। हाँ, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स। और हमारे कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि मैम शेखर कौशिक सर मैम, और जैसा कि आप सबने देखा कि हमारा कार्यक्रम बहुत ही जल्दी समाप्त भी हो गया है, तो कल अगर आप लोग लेट कर